This figure, current flowing through 3 ohm resistance is 1.2 ampere. Find the potential drop across 4 ohm resistance. हम क्या करते हैं सबसे पहले? हम क्या करेंगे? इसके अंदर से करंट दिया है कितना है? 1.2 ampere. ठीक है. तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे कितना करंट है. ठीक है. अगर यहाँ का करंट हमें मिल जाएगा तो इस टोटल ब्रांच में से टोटल करंट मिल जाएगा. राइट. ये टोटल ब्रांच का टोटल करंट मिल जाएगा इन दोनों की एडिशन करके. और सेकंड में गौर करना, ये जो टोटल करंट होगा ये टोटल ब्रांच का, वो 4 ओम के साथ सीरीज में होगी और यही टोटल करंट हमारा आंसर होगा इसके अंदर वाला करंट. तो यहाँ का करंट आ जाएगा तो पोटेंशियल भी आ जाए. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कैसे करेंगे यहाँ का करंट? देखो, हमें पता है, थोड़ा शॉर्टकट वो लगा सकते हैं यहाँ पे. 3 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज. सो इफ यू सी V इज इक्वल्स टू आई आर, करंट इज इक्वल्स टू V बाय आर. पैरेलल में V क्या होता है? सेम होता है. सो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. ठीक है. तो यू कैन से I1 बाय I2 इज इक्वल्स टू R2 बाय R1. I1 1.2 एम्पियर कंसिडर करते हैं, 1.2. I2 कैलकुलेट करना है. R2 है 6, R1 है 3. तो यहां से I2 आ जाएगा 3 1 3 3 2 6, ये हो जाएगा 0.6. सो I2 इज 0.6 एम्पियर. सो टोटल करंट I, ये जो टोटल करंट I होगा विल बी इक्वल्स टू करंट थ्रू 3 ओहम प्लस करंट थ्रू 6 ओहम. 3 ओहम से कितना करंट है? 1.2. 6 ओहम से कितना करंट है? अभी निकाला 0.6. सो द टोटल करंट इज 1.8 एम्पियर. Now if you see here, अगर इनको equivalent कर दे हम, 6 और 3, 6 is parallel with 3 और ये 4 ओम, तो ये दोनों तो सीरीज में हो गए ना, और इसमें से कितना करंट जा रहा है? 1.8 एम्पियर. तो सेम करंट 4 ओम से भी जाएगा, कितना? 1.8 एम्पियर. तो मुझे यहाँ का करंट मिल गया, इसके अंदर कितना करंट जा रहा है? 1.8 एम्पियर. तो V is equals to IR लगाओ. V फाइंड आउट करना है, करंट इज 1.8 इंटू रेजिस्टेंस इज 4, तो ये कितना हो जाएगा? 3 4 5 6 7 7.2 वोल्ट. दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट.